खालसा जी चैनल नू सब्सक्राइब करन तो बाद ऑल नोटिफिकेशन नू जरूर ऑन करो ताकि साड़ी कथा कीर्तन दी हर वीडियो तुहाडे तक पहुँचती रहे अते वीडियो नू लाइक करना ना भूलना जी। अवतार धारिया अपना आप प्रकाश किया उस महान पवित्र अस्थान तखत श्री हरिमंदर जी पटना साहिब दे सचखंड दरबार दियां हाजरियां भरदे होए अपना लोक परलोक सुहेला बना रहे हो। कलगी धर दसमेश पिता जी दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो, यही बड़ियां भागां दी निशानी है। अते ए सब सतगुरु महाराज जी दी बख्शिश रहमत दा सदका है। सो साध संगत जी, इस समय गुर इतिहास दी लड़ीवार कथा चल रही है। कवियां दे सिरमौर चूड़ामन कवि भाई साहब भाई संतोख सिंह जी द्वारा रचित श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथ दी अठवीं राश चल रही है। कल दे प्रकरण अंदर आप सारिया ने सरवण किया। मीरी पीरी दे मालक छेवें पातशाह साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी दे दरबार विच बावक रबाबी नामे कीर्तनियां कीर्तन करया करदा सी। बड़े ही राग दा धनी उच्ची सुर विच सुर ताल दे नाल गायन करके सार गुरु साहिब जी नूं प्रसन्न करदा। जदों बावक रबाबी दा अंत समा आया, गुरु साहिब जी दे कोल आके बेनती कीती, महाराज आप कृपा करो साडा परलोक विच वासा होवे, सुखैन शरीर त्याग सकीए। तां गुरु साहिब जी ने कहा, शरीर दा निजम ही है, आउणा जाणा जमणा मरना सब आउण जाण वाले हन। ये सारी दुनिया फना रूप है, शरीर नाशवंत है, सब ने आपो अपनी वारी ते चले जाना है। राणा राव न को रह रंग न तुंग फकीर, वारी आपो अपनी कोई न बंध है तीर। जो आया सो चल सी सब कोई आई वारी है। जो भी जगत विच पंजां तत्तां दा शरीर धार के आया है, भावें साधारण मनुख है चाहे पीर पैगंबर अवतार औलिया है, सारिआं नूं इस दुनिया तो विदा होना पैंदा है। सिख पंथ दे महान विद्वान पंडित गुलाब सिंह जी लिखते हैं कि जेह नाम उचारत दुख मिटे ते राम गए पद सो बन माही, मन रे कह कौन सुखी जग मैं तन धार के जो दुख पावत नाहीं। केड़ा ऐसा जम के आया पृथ्वी ते जो सदा लई अजर अमर होके रहा होवे। सेख हयाती जग न कोई थिर रहया, जिस आसन हम बैठे केते बैस गया। बहुत तरह दे दृष्टांत सुना करके और बावक रबाबी नू समझाया कि भाई ये दुनिया आउण जाण वाली है, ये शरीर दा निजम है, बारक ते बिरद पया होना सो होया। बचपन जवानी बिरद अवस्था अगे मौत है। सो गुरु साहिब जी ने ब्रह्म ज्ञान दी दात बख्शिश कीती। बावक रबाबी ने अपने पुत्र नू बाह फड़ाई गुरु चरणा ते पा दिता, महाराज मेरे वांग इस दी भी प्रतिपालना करनी, जिमें मैं आप जी दे दरबार विच कीर्तन करदा रहा इस तरह मेरा पुत्र आप जी दे दरबार विच कीर्तन करदा रहे, गुरु जस करदा रहे, आप जी ने प्रतिपालना करनी है। तसल्ली दबा करके गुरु साहिब ने कहा, कोई ना, जिमें तू कीर्तन करदा है इस तरह तेरा पुत्र अगे कीर्तन करदा रहेगा, अन्न धन की कोई कमी नहीं रहेगी। सो इस प्रकार समझा करके बावक रबाबी नू तोरिया, कहा कि तू घर जा करके और कुशासन बिछा करके चादर ऊपर ले करके अपना शरीर त्यागना कर। सारी संगत नू नमस्कार कीती बावक रबाबी ने और सारे नू मिल गिल के अपने घर आया।
घर आ करके अपनी पत्नी नू, परिवार नू, पुत्रां नू सद सब बिठा करके सारी गल समझाई। गुरु साहिब जी का हुक्म सुनाया कि मेरा अंत समा आ गया है, थानू चिंता करन दी लोड़ नहीं, साढ़े अते थोड़े सिर ते गुसाई मालक परमेसर दी छेवें पातशाह जी की कृपा है, किसे गल की कमी नहीं रहेगी। इस तरह घर आ करके बाबक रबाबी ने शरीर त्यागया है। हुण अगली कथा सरवण करन दे लई आपू अपनी मनु बिरतियां नू इकागर करिए। गुर की मूर्त मन मह ध्यान, गुर कै शब्द मंत्र मन मान, गुर कै चरण हृदय लै धारो, गुर पार ब्रह्म सदा नमस्कार। सतगुरां दे पवित्र चरणा कमलां नू हिरदे विच वसाउंदे होए रसना पवित्र करिए। सारे माई भाई गज बज के आखिए सतनाम श्री वाहेगुरु जी। फिर सारे गज के आखिए सतनाम श्री वाहेगुरु जी। ऊपर पायो रुचर दुसाला। और जिस सो साध संगत जी कवियां दे सिरमौर चूड़ा मन कवि भाई साहब भाई संतोख सिंह जी अगली कथा वर्णन कर रहे हैं। जिस वेले भाई बाबक रबाबी ने अपना शरीर त्यागया गुरु साहिब जी दे हुक्म अनुसार उहदे पुत्रां संबंधियां ने सारी अंतिम क्रिया कीती। ऊपर पायो रुचर दुसाला, सुंदर बड़ा दुसाला पाया। लेनिक से बाहर तत्काला। बाबक रबाबी दे पंच भूतक शरीर नू विवान ते रख करके और बाहर ले करके छेती निकले। कबर खनाए तरयो तिस माही। बाहर उजाड़ा विच कब्रिस्तान विच जा करके कबर फुटी और उस दे विच दफनाया गया। दफनायो जस पाख है ताहे। जिमें उना दे कुल दे बुजुर्गां ने सारी मर्यादा दसी रीति दसी उसे तरह कबर विच दफनाया गया बाबक रबाबी। गुर प्रसन्न कर अंत समय एह। सतगुरां नू अंत समय प्रसन्न करके रिझा करके वरदान पाके। सुभगत पाई संसे को नह। किसे प्रकार दा कोई संसा रही नहीं रही और अंत समय शुभ गति नु प्राप्त होया। इस प्रकार कर ताहे चलाना। इस प्रकार बाबक रबाबी दा अकाल चलाना होया। पीछे क्रिया करे कुल नाना। पीछे बाबक रबाबी दे कुल दी सारी क्रिया कीती गई। केतक दिवस बीते जब मरे। जदों कितने दिन बाबक रबाबी नू पूरे होया बतीत होए। तिसके पुत्रन सब विद करे। बाबक रबाबी दे पुत्रा ने सारी क्रिया कर्म कीती। तब सतगुर आछो दिन जान। तदों सतगुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी ने चंगा दिन जान के बिना कीर्तन रहत दीवान। क्योंकि रबाबी बाबक कीर्तन करया करदा सी, हुण कुछ दिन बतीत हो गए बिना कीर्तन तो। धन दस तार विशाल दुसाला। फिर बहुत कीमती दुसाला ते धन ले करके दे कर बेप्र हाथ तब काला। फिर ब्राह्मण दे हाथ दुसाला ते धन दे करके रबाबी बाबक रबाबी दे घर भेजिया। चतुर सुतन को दे कर तीर। और वो ब्राह्मण दुसाला ते धन ले करके बाबक रबाबी दे चारे पुत्रां नू दिलासा दे के एह सब बिन संहार शरीर समझाया पुत्रां नू के ए शरीर बिन संहार है। जो जन्मै सो जानो मूंगा, गोविंद भगत अस्थिर है थीया। दिन ते सर पर पौसी रात, रहन गई फिर होए प्रभात। जो जन्मदा है वो मरदा है,
दिन चढ़ता है, अस्त हुंदा है, रात हुंदी है, फिर दिन चढ़ता है, दिन ते पहर पहर ते घरियां आप घटे तन छीजै, काल अहेरी फिरे बद्धक ज्यो कहो कवन विद की जाए। सो इस तरह काल मंडरा रहा है, जिसकी अवस्था पूरी हो जाती है जम काल उसनू ले जाता है। ए सारा जगत ही बिनसनहार है, अब एह सिरो पाओ गुर दीना, ए हुण दुसाला ते सिरो पाओ सतगुरां ने थानू बख्शिया है, सिर पर बंधो पाग नवीना, नवी पाग दस्तार सिर दे उपर बनना करो, शोक तजहो अर भजहो सुनाम, शोक त्याग करके हरी नाम दा भजन सिमरन करो, गुर को सेव बसहो निज धाम, फिर गुरु घर दे वे सुख शांति दे नाल कीर्तन करदे होए बस करो, ऊपर सुंदर लेहो दुसाला, और सुंदर दुसाला अपने शरीर ऊपर लेना करो, करो कीर्तन सभा विशाला, गुरु सभा विखे जाके राग विच जिमे थोड़े पिता जी कर कीर्तन करया करदे सन ओमे तुसी कीर्तन करो, सुन कै बाक देख गुर दया, और ब्राह्मण पासों सतगुरां दा हुक्म सुन के सतगुरां दी कृपा दया दृष्टि जान करके, मन ते सोक सबन तज दया, बाबक रबाबी दे पुत्रां ने मन चो सारा सोक त्याग दिता, सिर पर बांधी पाग बनाए, सिर दे उपर सोनी नवी दस्तार बना के समार के बनी, आछे वस्त्र पहर हर खाए, ते नमीन वस्त्र पा करके बड़े खुश होए, लेकर साज पिता सम गए, साज बाज लेकर के पिता वांग गुरु दरबार विच गए, सभा विखे गुर दर्शन लिए, सभा गुरु सभा विखे जाके सतगुरु महाराज जी दे दर्शन कीते, हरे होए कै करी कल्याण, और खलो करके बाबक रबाबी दे चारे पुत्रा ने कल्याण उस्तद दे शब्द कहे, गुर साहिब सोडी सुल्तान, हे गुरु साहिब जी आप सोडी सुल्तान हो, श्री गुरु रामदास को पोता, आप श्री गुरु रामदास साहिब महाराज जी दे पोतरे हो, दीन दुनी थंब भार खलोता, दीन दुनी दे भार दा थंब मांग खलोते होए हो, भार सहारन लई थंब मांग खलोते हो, श्री अर्जन सुत जोधा बली, सतगुरु अर्जन देव महाराज जी दे बली जोधे सपुत्र हो आप, तुरक मार कर कीरत भले, और इस प्रकार तुरका नू मार करके बड़ी कीर्ति लई, पीरी मेरी को बड़ थंबा, पीरी अते मेरी दे आप थंब हो, देख पा करम सब जगत अचंबा, आप जी दा ए बल प्रा करम सारा जगत हैरानी दे नाल मनदा है, आप मेरी पीरी दे मालक हो, मेरी दे नाल मीरां दी शक्ति खो लई, और पीरी दी तलवार दे नाल पीरां दी शक्ति खो लई, आप मेरी पीरी दे मालक हो, आप थंब हो, मुगलस खान जंग कर मारे हो, पहले जंग विच मुगलस खान सेनापति जो 7000 मुगल सेना लेके चढ़ के आया सी उसनू मारना कीता, अब्दुल खान जुत चमू संगरे हो, जलंधर दा सूबा अब्दुल खान 15000 मुगल सेना लेके आया सी ओ भी मारिया गया, लला बेग सह कंबर काते, तीजे जंग विच मालवे दे जंगलां च लल्ला बेग कंबर बेग दे सहित सारी 35000 मुगल सेना मारी, शाहजहां की दाहस छाते, शाहजहां बादशाह दी छाती साड़ दित्ती, लून हरामी पैंदा कायो, लून हरामी पैंदे खान पठान उसनू भी मारिया, प्रतपालक सो लरवे आयो, जिसनू अपने हथी पालिया सी अपने पुत्रां वांग जतीम जान करके वह किरत घन हो गया, जंग करन वास्ते 1,00,000 मुगल सेना चढ़ा के लेके आया, वह भी चौथे जंग विच मारिया गया, मीरी पीरी दे मालक छेवें पातशाह जी ने 4 जंग कीते,
पहला जंग मुगल खां दे नाल होया जो 7000 मुगल सेना लेके आया सी। दूजे जंग विच अब्दुल खां सूबा जलंधर दा वह भी मारिया गया। तीजा लल्ला बेग काबल दा सूबा कंबर बेग अपने भरा भतीजे भाणजे दे सहित मारिया गया। चौथा जंग करतारपुर साहिब विखे होया जो पेंदे खां पठान अकिरतगण होके 1,00,000 मुगलों नूं चढ़ा के लेके आया सी। सारे मारे गए, पेंदे खां पठान भी मारिया गया। अरयो न शत्रु सकल ही मारे और कोई भी अड़ नहीं सकया, जरा अड़िया शत्रु वो मारिया गया। मौन साहो पा मानी हारे और वो जड़ा शाहजहां बादशाह सी वो मौन चुप कर रहा। जदों वजीर खान ने समझाया गुरु घर दे नाल वैर विरोध करना चंगी गल नहीं है, थोड़े पिता पितामा बड़े बजुर्ग बाबर आदिक गुरु घर दे नाल प्रेम रस रखते रहे, गुरु नानक पातशाह जी तो वरदान पाया, सद पीढ़ियां राज करोंगे दा वरदान प्राप्त होया सी थोड़े बजुर्गों नूं। फिर दूजे बाबर दा पुत्र हुमायूं सी ओ गद्दी ते बैठा ते शेर शाह सूरी ने उसनू मार के भजा दिता। हार खा के खंडूर साहब आया, घोड़े ते असवार है। गुरु अंगद देव जी महाराज बच्चियां दे नाल परचे हुए खेड रहे सन। एक घोड़े ते असवार उड़ीकदा रहा कि मेरी तरफ देखण ते मैं कोई बेनती करा, पर गुरु साहब जी ने नज़र चुक के देखिया ही नहीं, गुस्से विच आके तलवार कढ़न कढ़ना चाहिया। उसने म्यान चों ओ तलवार दी मुठ दे नाल हाथ जुड़ गया। गुरु साहिब जी ने देखिया और क्या ऐ हुमायूं बादशाह, जदों शेर शाह सूरी तेरे मगर लग्या सी उस वेले तेरी तलवार कित्थे सी, हुण पीरां फकीरां दे उपर तलवार कढ़न लग्या। वो उसे वेले चरणा ते ढह पिया, महाराज तुहाडे वड्डे गुरु साहिब जी ने मेरे पिता बाबर नूं सद पीढ़ियां राज करोंगे दा वरदान दिता सी, दूजी पीढ़ी वेले ही राजभाग खुश गया। क्या राजभाग तां तैनूं हुणे प्राप्त हो जाणा सी, पर तूं गुस्ताखी कीती है, फिर भी तूं शरण विच आया है, समां पा के तैनूं राजभाग प्राप्त हो जाएगा। आशीर्वाद लै करके वह फिर चला गया हुमायूं बादशाह ईरान इराक अफगानिस्तान इधर देशां विच करीबन 15 साल रहा। 15 सालों बाद सेना इकट्ठी करके हिंदुस्तान ते चढ़ाई की, शेर शाह सूरी नूं हराया, फिर दिल्ली दे तख्त ते काबज होया। हुमायूं दा लड़का अकबर, अकबर दा जहांगीर, जहांगीर दा ए शाहजहां होया। जदों वजीर खान ने गल समझाई कि तुसी चार जंग कीते, चारे जंगा विच तुसी हार गए, हुण गुरु घर दी तरफ मूँह करके मत्था टेको, माफ़ी मंगो, तां उसने गुरु घर वल सीस झुका के मत्था टेकिया, माफ़ी मंगी कि मैं अज तो बाद कोई जंग युद्ध नहीं करांगा। सो मौन धार लिया, मौन धार के शाहजहां जड़ा है ओहंकारी ओ निम्रता दे सहित हो गया। ओ को गुन रावर के कह, हे महाराज मैं आप जी दे केड़े केड़े गुणा नू कहा, शेष सारदा अंत न लह, सिख नाग सारदा सुरस्ती आदिक आप जी दा अंत नहीं लै सकदे। और जस कह बैठे दरबार, और गुरु जस कह के दरबार विच बैठे रबाबी बाबक दे पुत्र, लगे कीर्तन करन उदार, बड़े ही उदार चित वाले उदारता दे नाल राग विच कीर्तन करन लगे, भांत भांत के रागन गाए, नाना प्रकार दे भांत भांत दे तरह तरह दे कई प्रकार दे राग गाए, सभा सहत गुर लय रिझाए, सभा दे सहत सतगुरां नूं प्रसन्न कर लिया रिझा लिया। करी मौज तिन को तत्काला, और उस समय गुरु साहिब जी ने तत्काल ही मौज विच आकर के हृदय
आनंदत भए विशाला हृदय विच बड़े आनंद प्रसन्न होए इसी पांत निज पत निज पित की न्याई इसी तरह अपने पिता दी न्याई लगे कीर्तन करन बनाई राग विच बना करके कीर्तन करन लगे बाबक रग बाबी दे पुत्र अपने पिता वांग नेत आवह गुर के दरबार नेत ही गुरु दरबार विच आके कीर्तन कर दे हन चौकी करते संज सकार और कीर्तन दी चौकी सवेरे शाम कर दे हन ओहरा इस प्रकार श्री सतगुरु समा बितावन कीना इस प्रकार सतगुरु हरगोविंद साहब महाराज जी ने समा बितावना कीता नम्रे श्री हर राय पेख करे स्नेह नवीन निम्रता वाले अपने छोटे पुत्रे गुरु हर राय साहब जी दी प्रति बहुत ही कृपा दृष्टि है बहुत ही स्नेह प्रेम करते हैं चौपाई अपन समा तन तजन पछाना छेवे पातशाह जी ने अपने शरीर त्यागण दा समा पछाणिया बीतत बासर होए निराना दिन प्रति दिन शरीर त्यागण दा समा नेड़े आउंदा जा रहा है अंत समा पछाण करके गुरता दई चह निज पोते सतगुरु हर गोविंद साहब महाराज अपने छोटे पोतरे गुरु हर राय साहब जी महाराज जी नू गुरियाई देनी चाहते हैं लख कर धीर आदि गुण पोते धीरज ता दे सहित होर बहुत सारे गुण देख करके लायक जान करके तख्त राजा सो बहजे तख्त लायक होई हर तरह दे सर्व गुण संपन्न जान करके छोटे पोतरे नू दिन प्रतदान देत दिज दीन सतगुरु हरगोविंद साहिब महाराज नेता प्रति ब्राह्मणा नू बहुता दान देंदे हन दरब जवाहर कीमत पीन धन बहुत कीमती जवाहरात सोने चांदी आदक दान देंदे हन बरन बरन के बस्त्र नवीन नमे नमे रंगा रंगा दे नमे बस्त्र बली तुरंग पाए कर जीन और बली घोड़े हाथी जीन काठिया दे सहद सजा करके और करते पूरब खर तारा और जिस तरह अपने गुरु साहब जी ने अपने हथी तिखी तलवार दी धार नाल करवारन की बही उदारा गुरु साहिब जी दे हथों तिखी धार वाली तलवार बही जिसे पाए कायर बह गए और उस तलवार तिखी तलवार दी धारा विच कितने कायर बुजदिल रुड़ गए बह गए तर कर सूर सुरग को गए ते उस कायर दा डूब गए पर सूरमे जड़े सन वीर गति नू प्राप्त होए तर के स्वर्ग नू चले गए तथा दान तारा गुर कर की इसे तरह पहला तिखी तलवार दी किरपाण दी धारा बगाई हुण दान दी धारा बगा रहे हन दान दा प्रवाह चला रहे न गुरु साहिब जी निस्तन चली जात एक सर की दिन रात एक समान दान दी धारा चल रही है बग रही है दीनन को दारिद बह गयो और उस धारा विच दीन दलिद्रा दा दुख दलिद्र सारा रुड़ गया बह गया दसों दिस जस ते पर गयो और दसों दिशावां विच गुरु साहिब जी दा जस तेज प्रताप फैल गया आदिक दार दी जे चल आवे अत्यंत दलिद्री भी कोई चल के आउंदा है गुरु साहिब जी दे कोल पहर विभूकन तुरंग नचावे ओ धन कता हाथी घोड़े लै करके घोड़िया नू नचाउंदा होया अपने घर नू जांदा है जब अपने घर पहुंचे जाए जदों अपने घरां नू जा पहुंचदे हन संबंधी जे है समुदाय उन्हां दे जड़े संबंधी हन घर दे दिन ते तुरत न होए चिनारी उन्हां पासों छेती पछाण नी हुंदी के कौन आ रहा है एवं अनुमान लगाउंदे न कोई बादशाह चढ़ के आ रहा है देख बेस को देह बिसारी और उन्हां दे बेख नू देख करके ए कोई तनाड़ रजवाड़ा होना कोई राजा होना है
वो अपने संबंधी नू भी नहीं पछाण दे कितक सैन बनाए सिधावे कई ता दलिद्री गुरु घर वे जा करके तहन प्राप्त करके हाथी घोड़े पा के सेना कठी करके आउंदे हन बड़े मोल पट तुरंग ले जावे और बड़े चंचल बली घोड़े लेके जांदे हन तिनो हेर कर जे लख ग्राम उन्ना नु देख करके जो छोटे पिंडा दे लोक हन भाजह त्याग भरे तन ताम ओ धन धान दे नाल भरे हुए घरां नु छड करके भज जांदे हन के कोई राजा चढ़ाई करके आ रहा है 300 ऊंचे कहे सुनाए ओ उच्ची आवाज विच ओ कह के सुनाउंदे हन भाई मैं फलाना है मैं कोई राजा रजवाड़ा नहीं मैं फलाना है ये गुरु की कृपा है जो साजो समाज ठाट बाट तुसी देख रहे हो मैं वही फलाना बंदा हाँ हमको देखत नहीं पलाए सानू देख के डर दे मारे ना भजो श्री हर गोविंद जोधा भारी श्री गुरु हर गोविंद साहब महाराज भारी जोधे सूर वीर हन हम तिसके चल जाहे पिखारी असी मंगते उन्ना दे दरबार भी जदो चल के जांदे हाँ जो जिस समय आए जस कहे जो जिस समय भी आके गुरु दरबार गुरु साहिब जी दा जस उच्चारण करदा है दरब तुरंग बसन को लह ओ धन वस्त्र घोड़े आदिक लेके आउंदा है अब्दुल नथा रण की वार अब्दुल नथा रण जोध दी वार बना करके करी बनावन सकल सुधार और चंगी तरह वार बना करके सुधार करके जिम संघर काल्यो कमसान जिस तरह गुरु साहिब जी ने मुगलां दे नाल जंग युद्ध कीते कमसान युद्ध मचाया मारे सैयद मुगल पठान जिन्ना वे तुरकां दे सहज सैयद पठान ये सारे मारे गए मुगलां दे विच भी चार वर्ण हन जिवें हिंदुआं विच चार वर्ण हन ब्राह्मण खत्री बैस ते शूद्र ये चार वर्ण हन तुरकां विच भी चार वर्ण हन सब तो बड़े हुंदे हन शेख फिर सैयद फिर पठान ते अखीर विच सब तो नीच मुगल मन्ने जांदे हन सेख सब तो बड़े हुंदे हन जिवें हिंदुआं विच ब्राह्मण मुसलमाना विच सेख जिवें हिंदुआं विच खत्री मुसलमाना विच सैयद हिंदुआं विच जिहड़े बैस हन मुसलमाना विच पठान हन हिंदुआं विच जो शूद्र हन मुसलमाना विच जो मुगल कहे जांदे हन सो शेख सैयद और पठान सारे मारे गए फतेह लई हथ कर तुरकाना सारी तुरकाना नू मार करके फतेह प्राप्त कीती सतगुरां ने हने डंकरण जीत निशाना और डंके बजा के रण नू जीतन वाले नगाड़े बजाए इथे रणजीत नगाड़ा ये छेवें पातशाह जी का प्रसंग चल रहा है रणजीत नगाड़ा तो दसम पातशाह जी ने बनाया सी इत्थे रणजीत का अर्थ है रण नू जीतण वाला नगाड़ा बजाया रणजीत नगाड़ा तो दसवें पातशाह जी ने बनाया सी सो डंके दोहरी चोब दे करके रण नू जीतण वाला नगाड़ा बजा के रण जीतिया गुर आगे थिर होए सुनाई सतगुरां दे सन्मुख खलो करके अब्दुल नथा ढाडिया ने वार सुनाई सुन कर दान दीन समुदाई ओ वार सुन करके वीर रस दी वार सुन करके छेवें पातशाह जी ने बहुत सारा धन दिता गज तुरंग ऊपर सुभ जीन हाथी घोड़े ऊपर जीन काठिया हवदे सजा करके दिते कंचन कंकन जटत नवीन सोने दे जड़ाऊ कड़े भी बख्शिश कीते सुंदर वस्त्र बरन बहु केरे बहुत रंगा दे सुंदर नवीन वस्त्र दिते दियो संग बहुत दरब दरब कनेरे नाल बहुत सारा धन भी देना कीता फरमायो हो सिख संगत माही सारी संगत देवे सतगुरां ने उं फरमाउणा कीता करो सुनावन मुद उपजाई और कहा के
इस तरह जेड़ा कोई भी जस सुनावेगा और जोधे सूरमिया दिया बारह सुनावेगा तुमको दह दरब कनेरा उन्होंने बहुता धन असी बख्शिश करांगे उन्होंने धन दे के हाथी घोड़े दे के नवाजांगे पंथ चाल जग मेरा और जदों साडा जग बिच साडा पंथ चलेगा आउन वाले समय का जिक्र कर रहे हैं छेवें पातशाह जी। छेवें पातशाह जी ने जिमें तलवार चुकी इस तरह उन्होंने पोतरे गुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ने तलवार चुकी जफरनामा विच आप शेर लिखते हैं चूंकार अज हमा हीलते दर गुजस्त हलाल अस्त बुरदन ब शमशीर दस्त। जदों दलील अपील वकील तो उपर गल उठ जावे ता फिर तलवार चुकनी जायज है। छेवें पातशाह जी ने शुरुआत कर दिती सी मीरी पीरी दियां दो तलवारां धारण कीतियां उन्हां दे पोतरे गुरु ने भी तलवार चुकी। छेवें पातशाह जी ने जेकर दादा गुरु जी ने चार जंग किते उन्हां दे पोतरे गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ने 14 जंग किते और 14 जंगां भी जेतू रहे चारे 14 दे 14 जंग जिते गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ने। जे गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज सोने का कड़ा सिट के तलवार ना चुकते ताज हिंदुस्तान का नक्शा कुछ होर होना सी। कोई पग्गां वाले कोई बोदियां वाले नहीं सन दिसने ना मंदरां च टल खड़कने सन ना हिंदू मत्थे ते तिलक लगाउंदे ना पूजा पाठ हुंदा सब अल्लाहू अकबर सारे आखदे। एक छत्र राज होना सी मुगलों का चूड़ा मन कवि भाई साहब भाई संतोख सिंह जी ने बहुत सोहना लिखिया है छंद के छाए जाती एकता अनेकता बिलाए जाती होवती कुचीलता किताबन कुरान की पाप ही परपक जाते धर्म तसक जाते वर्ण गरक जाते सहित विधान की देवी देव देहरे संतोख सिंह दूर होते दूर हो मिट जाती कथा वेदन पुराण की श्री गुरु गोविंद सिंह पावन परम सूर मूर्त न होती जो पे करुणा निधान की। कथा वेदा पुराणा दी कथा नहीं सी होनी मंदरा च टल नहीं सी खड़कने एक छत्र मुगलों का राज होना सी। सो इस तरह चूड़ामन कवि भाई साहब भाई संतोख सिंह जी कह रहे हैं सुने पंथ चल है जग मेरा जगत में जद साडा निराला पंथ खालसा पंथ प्रगट होवेगा उस समय ये कीर्ति सारे सुनणगे। इसते आद दान बिद नाना इस तो आद नाना प्रकार दा दान धन दा दान हाथी घोड़े बस और जीन काठियां सजा के छेवें पातशाह बख्शते रहे। दसवें जामे विच श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ने सिखा नूं धन दान नहीं दिता उन ज्ञान दान दिता ब्रह्म ज्ञान दा दान दिता क्योंकि धन दा दान ता खर्चन दे नाल मुक जांदा है ज्ञान दा दान जड़ा है ज्ञान कदे मुकदा नहीं ज्ञान बढ़दा जांदा है मुकदा नहीं। धन मुक जांदा खर्चन दे नाल और ज्ञान खर्चन दे नाल ओ मुकदा नहीं समा बढ़दा है जिन्ना ज्ञान वंडो उन्ना ही ज्ञान बढ़दा है ज्ञान विच वाधा हुंदा है। कलगीधर दशमेश पिता जी ने सारा धन जां तां धरती विच दब दिता जां नदियां विच गड़ दिता दब दिता रोड़ दिता। मसंदा ने देखिया कि सारा धन एवें रोड़ी जांदे हन दरिया विच। माता गुजरी जी दे पास जाके बेनती की माता जी लाल जी नूं समझाओ कुछ धन सानू भी दे देण एवें सिटी जांदे हन दरिया विच ते क्या समा मिलेगा ते मैं पुछांगी। लाल जी नूं पुछया लाल जी धन एवें क्यों सिटी जांदे हो तुसीं अपने सिखां नूं क्यों नहीं दे देंदे। कलगीधर दशमेश पिता जी ने कहा माता जी तुसीं सानूं जहर दे सकदे हो। माता जी ने कहा लाल जी किहड़ी गल कीती है तुसीं की कह रहे हो। कहिंदा हाँ माता तुसीं मैनूं जहर दे सकदे हो। कहिंदा ना पुत्तर कोई माँ अपने पुत्र नूं जहर दिंदी है। कहिंदे ते मैं अपने पुत्रां नूं किवें जहर दे दियां ये सारा खालसा साडा पुत्र है
ये धन जहर दे वांग है, ये मैं अपने पुत्रां नू जहर नहीं दे सकता। अपने पुत्रां नू खालसा नू विवेक ज्ञान यथार्थ ज्ञान बख्शिया, जो ज्ञान कदे मुकदा नहीं। धन तो मुक जाता है पर ज्ञान नहीं मुकदा। सो इस तरह गुरु साहब जी ने बड़े बख्शिश की धन और हाथी घोड़े आदिक सब कुछ दिता छेवें पातशाह जी ने। करै निता प्रत गुरु महाना, और गुरु साहब जी निता प्रति सारिया नू दलिद्र नू धनवान बना देंदे हन। दूर देश ते जाचक आवे, दूर दूर देशा तो मंगते आउंदे हन। सुन सुन जस निज घर ते धावे, और जस सुन सुन करके आउंदे हन, और गुरु का जस करके अपने घरां नू हाथी घोड़े लेके जाते हैं। नेत दान को जस उपजाए, और दान ले करके जस करते हुए जाते हैं। नेत असीसन श्री गुरु राय, और गुरु जो राजे दे समान हैं, राजान राज हैं, सतगुरु हर गोविंद साहब महाराज जी नू असीसा देंदे जांदे हन। एक दिन बैठे सभा मजारी, सतगुरु हर गोविंद साहब जी महाराज एक दिन सभा विच सुभाए मान हो रहे सन। जाति मलक विप्र गुण भारी, जाति मलक जो बहुत गुणी है, जाति मलक जो बड़ा सूर वीर है, जिसने जंग युद्ध विच कमाल दी फुर्ती दिखाई, गुरु साहिब जी दी कृपा दा सदका अनेक बैरियां दे आहू लाए, जिस जाति मलक ने सतगुर घर को प्रोहत है, गुरु घर दा प्रोहित सी जाति मलक, आयुध धारी हुआ टिग रहा, और शस्त्र धारी होके रहा। जाति मलक भावे ब्राह्मण सी पर वो शस्त्र धारी होके रहा। कई ब्राह्मण भी शस्त्रधारी होके गुरु साहिब जी दी हजूरी विच रहे। रण में कीने पराक्रम भारे, रण युद्ध विच बड़ा भारी पराक्रम कीता। शत्रु तुरक अनेक संगारे, अनेक तुरक शत्रुआ नू मारना कीता। पूरब गुर टिग सिंघा नाम, सतगुरु हर गोविंद साहिब महाराज जी दे कोल पहला सिंघा नाम दा पुरोहित रहिंदा सी। सोबे लड़त रहो रण धाम, वो भी शस्त्र फड़ के रण युद्ध करता रहा। पीछे एहो पास सवधान, और सिंगा पुरोहित तो बाद जाति मलक पुरोहित, ये भी सावधान समाहित चित हो करके गुरु साहेब जी दे वल्लों तुरकां दे नाल जंग करदा रहा। चढ़ै तुरंग वीर बलवान, और घोड़े ते चढ़ के वीर बलवान ए भी जंग युद्ध करदा रहा। दया राम उपजयो इस नंद, और इस दा पुत्र दया राम नाम करके पैदा होया। दसम गुरु टिग रहे आनंद, और दशमेश पिताजी दे पास इस जाति मलक दा पुत्र दया राम रहंदा रहा। रण को कर कथा तब आवे, और जदों रण युद्ध दा कथा प्रसंग चलदा है, जदों भी जंग युद्ध शुरू हुंदा है, ए रण युद्ध विच हिस्सा लैंदा है। शत्रु पहाड़ी लड़कर घावे, पहाड़ी राजियां दे नाल भी लड़ करके दया राम जो दशमेश पिता जी दे समय रहा, दया राम शस्त्र पढ़ के पहाड़ियां दे नाल जूझदा रहा। जाति मलक जान निज अंत, जाति मलक ने अपने प्राणा दा अंत समा जानिया। गयो जहां बैठे भगवंत, जिथे भगवंत सतगुरु हर गोविंद साहब जी महाराज बैठे सोभ रहे सन, उथे पहुंचया। हाथ जोड़ कर अपन प्रसंग, हाथ जोड़ के अपना सारा प्रसंग सुनाया। भन्यो सकल ही गुर के संग, अपना सारा वृतांत कह के सुनाया गुरु साहिब जी नू। करो खुशे मो पर इस काल, हे महाराज इस समय मेरे ऊपर खुशी करो। प्राण अंत होए चहत उताल, शीघ्र ही मेरे प्राणा दा अंत होना चाहुंदा है। प्रोहत मैं हूँ रावर केरा, हे महाराज मैं आप जी दे गुरु घर दा पुरोहित हां। चाहो दान ब्रह्म ज्ञान बटेरा, मैं ब्रह्म ज्ञान दा
ਦਾ ਦਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤੇ ਬਹੁਰ ਜਨਮ ਨਹਿ ਧਾਰਾਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨਾ ਧਾਰਾਂ ਪੁਨਰਵ ਜਨਮ ਮੇਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਰਮ ਫਾਸ ਸਗਰੀ ਨਿਰਵਾਰੋ ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਕੱਟ ਦਿਓ ਸਭ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਦਿਓ ਆਸ ਸਰੂਪ ਮੋਹਿ ਦਿਓ ਸਮਝਾਈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਸਰੂਪ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਰੂਪ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਹੋ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀ ਮਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਜਾਣਨਾ ਕਰਾਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰਾਂ ਜਿਸ ਹਿਤ ਜੋਗੀ ਕਰਤ ਉਪਾਈ ਜਿਸ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋਗੀ ਜਨ ਉਪਾਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮਨ ਬਿਸਰਾਮ ਪਾਏ ਨਹਿ ਧਾਵੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਸੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਵਿਸਰਾਮ ਪਾ ਲਵਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਦੌੜੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਸਥਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਟਿਕ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਫਿਰ ਕਿਧਰੇ ਦੌੜੇ ਨਾ ਨਿਜ ਆਨੰਦ ਕੇ ਵਿਖੇ ਸਮਾਵੇ ਨਿਜ ਆਨੰਦ ਵਿਖੇ ਸਮਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਕੋ ਆਸੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀ ਮਲਕ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਦੇ ਆਸੇ ਨੂੰ ਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤੇ ਗੁਰ ਬਾਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਇਉਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਤੀ ਮਲਕ ਧੰਨ ਤੁਮ ਅਹੋ ਹੇ ਜਾਤੀ ਮਲਕ ਤੂੰ ਧੰਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਤਨ ਹੰਤਾ ਕੋ ਤਿਆਗਨ ਚਾਹੋ ਤਨ ਹੰਤਾ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੁਬਦਾ ਮਹਿ ਮਨ ਬਿਗੜਿਓ ਸਦਾ ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚ ਮਨ ਸਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦੁਚਿੱਤੇ ਪੁੰਨ ਵਿੱਚ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਖੱਬੇ ਕਦੇ ਸੱਜੇ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਘੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੈਂਡੂਲਮ ਵਾਲੀ ਜੋ ਕਦੇ ਸੱਜੇ ਕਦੇ ਖੱਬੇ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪੈਂਡੂਲਮ ਟਿਕ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਘੜੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਕਦੇ ਸੱਜੇ ਕਦੇ ਖੱਬੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਦੇ ਸੰਕਲਪ ਕਦੇ ਵਿਕਲਪ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਘੜੀ ਦੇ ਪੈਂਡੂਲਮ ਵਾਂਗ ਇਹ ਡੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਕਤਾ ਮਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹਿ ਕਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਏਕਤਾ ਪਦ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਤਨ ਕੋ ਨਹਿ ਜਾਣ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਨਮਤ ਅਰ ਇਹ ਬਿਨਸਨਵਾਨ ਜਨਮਣਾ ਤੇ ਬਿਨਸਨਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਬਾਲਕ ਤਰੁਣ ਬਿਰਧ ਹੋਏ ਜਾਏ ਬਾਲਕ ਤੇ ਬਿਰਧ ਭਇਆ ਹੋਣਾ ਸੋ ਹੋਇਆ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਵਾਨੀ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਰਧ ਬਿਰਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਮੌਤ ਇਹ ਪਰਨਮ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਨਾ ਉਹ ਬਾਲਾ ਨਾ ਉਹ ਕਦੇ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬੁੱਢਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਵਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਰਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਧਾਰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਰਭ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਵਾਨ ਬੁੱਢਾ ਹੁੰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਮੀ ਏਵ ਉਪਾਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਮੀ ਪ੍ਰਣਮ ਬਾਦ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਬ ਸਰੂਪ ਮਹਿ ਇਹੋ ਸਭ ਨਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਦਾ ਏਕ ਰਸ ਜਾਣੋ ਤਾਂ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮਾ ਜੋ ਹੈ ਸਦਾ ਇੱਕ ਰਸ ਅਖੰਡ ਹੈ ਤਨ ਤੇ ਸੂਖਮ ਅਹ ਰਖੀਕ ਔਰ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਸੂਖਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਹਨ ਤਿਨ ਕੀ ਗਤ ਜਾਣੋ ਬਿਦਨੀਕ ਉਸ ਦੀ ਨੀਕੀ ਚੰਗੀ ਵਿਧੀ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਨਹਿ ਸਰੂਪ ਨਿਜ ਜਾਣੋ ਇਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਨਾ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ ਨਾ ਤਨ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਹੈ ਨਾ ਮਨ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਹੈ ਮਨ ਵੀ ਬਿਨਸਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਮਨ ਵੀ ਚੰਚਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਨ ਵੀ ਜੜ ਹੈ
इस नूं अपना स्वरूप ना जानो, इंद्रिया नूं भी अपना निज स्वरूप ना जानो। एक तो पृथक पृथक इन मान हो, एक तो इंद्रिया नूं बखरे बखरे मान करो। सब को एक सुभाव नह है, सब इंद्रिया दा पंज ज्ञान इंद्रिया दा सुभाव एक जैसा नहीं है। देख सुन है गंध रस लह, शब्द स्पर्श रूप रस गंध पंज ज्ञान इंद्रिया पंजा दे एक एक विषय हैं। शब्द स्पर्श रूप रस ते गंध पंज ज्ञान इंद्रियां ते पंज ही विषय हैं। तन दे पंज विषय, मन दे पंज विकार हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये मन तो उत्पन्न होंदे हैं, ये पंज विकार हैं। ते तन दे पंज विषय हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन्हा नू भी अपना निज स्वरूप ना जानो। तब स्वरूप में यह कुछ नहीं, तेरे स्वरूप विच भी यह कुछ नहीं है। इनते परे लख उर माही, हृदय विच तो परे जा अपने निज स्वरूप नू जानना कर। जो संकल्प विकल्प उठावे, जो मन कदे संकल्प कदे विकल्प उठाउंदा है। तौरत जात तुरत हट आवे, आउंदा जांदा तुरत हट के आउंदा है। दसों दे सावां विच फिर के आ जांदा है खिन विच। एह रखीक ते सूखम मन है, और इंद्रियां नालों भी मन सूखम है। इंद्रियां जड़ हैं, शरीर भी जड़ है, इन्हां दोहां नालों सूखम मन है। शुद्ध अशुद्ध होत बुद्ध भन है, और गुरु साहब जी कह रहे हैं के शुद्ध अशुद्ध होत बुद्ध भन है। और ये बुद्धि किसी की शुद्ध हुंदी है, किसी की अशुद्ध हुंदी है। किसी की आत्म विशैनी बुद्धि हुंदी, निर्मल बुद्धि हुंदी है, और किसी की मंद बुद्धि हुंदी है, मैली बुद्धि हुंदी है। मन ते थूल प्राण जे अह, और मन तो अस्थूल जड़ा प्राण है, यह स्थूल है। मन सूखम है ते प्राण अस्थूल है। सो भी आवन जानो लह, ओ प्राण भी आउन जान वाला है, कदे प्राण आउंदा है कदे चला जांदा है। श्वास अंदर आया ते प्राण आ जांदे हैं, श्वास बाहर निकल गए प्राण चले गए। प्राण भी आउन जान वाला है। सो भी आवन खट विकार एह तिन्हो मानी, और ये तिन्ने ए शरीर दे खट विकार हन, छे विकार हन शरीर विच। जन्म मरण तन मह होए जानी, ए जमना मरना शरीर दे विच पाया जांदा है। सुदा पिपासा प्राण तरंते, और भूख ते और प्राणा दा प्राण दा धारना, ये सब खट विकार हन शरीर दे। हरख शोक मन को लखी अंते, हरख शोक छुदा पिवासा मरजमना मरना ये खट विकार हन। इनते भी सूखम तब रूप, इन्ना तो भी सूखम स्वरूप तेरा निज स्वरूप है। अष्ट विकार हन पृथक अनूप, जो खट विकार हन उन्ना तो बखरा उपमा तो रहत निज स्वरूप है। सदा अचल नह आवत जाए, जो सदा अचल है, जो निज स्वरूप है सदा अचल है, आउन जान वाला नहीं है। मन आदिक प्रेरक समुदाय, मन इंद्रिया आदिक सारिया तो ये बखरा है, जो निज स्वरूप है जिसनू आत्मा कहिंदे हन। आत्मा अमर है, शरीर नाशवंत है, आत्मा अजर है, जिसका जमना मरना नहीं हुंदा। गीता दे विच बहुत सुंदर श्लोक है आत्मा बारे, कृष्ण भगवान अर्जुन नू उपदेश देंदे हन कि जायते न मृयते वा कदा चिन्नायम भूतवा भविता वा न भूयः अजो सास्तोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये आत्मा अजर अमर है, जिसका जन्म मरण नहीं हुंदा, एक रस है, इसे नू अपना निज स्वरूप जानना करो। सो साध संगत जी, इत्थे समा समाप्त है, कथा भी विराम ते आ गई है। अगली कथा अगले प्रकरण अंदर आपां कल नू सरवण करांगे। सो आओ दो मिनट वाहिगुरु गुरु मंत्र दी हाजरी ला के उपरंत समाप्ति है। सारे माई भाई रसना पवित्र करिए, कोई रसना वांझी ना रहे।
सारे मिलके जपिए वाहे गुरु 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 खालसा जी चैनल नू सब्सक्राइब करन तो बाद ऑल नोटिफिकेशन नू जरूर ऑन करो ताकि साड़ी कथा कीर्तन दी हर वीडियो तो हाड़े तक पहुँच दी रवे अते वीडियो नू लाइक करना ना भूलना जी।